नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। क्या हाल है? ठीक है सर। स्केचिंग की बात होनी नहीं चाहिए, कल आज निपटा देंगे। रोज रोज नहीं। सी हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरली यू टेक अप क्लासेस एंड टुडेज क्लास। बी ऑनेस्ट, इरिटेशन तो हो ही रही होगी, तो काम बात है। सर थोड़ी सी हो रही इरिटेशन, आंख बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, तुम रहने दो, तुम इतनी पढ़ाकू नहीं हो जो ज्ञान दे रही हो। ऐसा है जो मिस अगला एक हफ्ता ऐसी क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो अभी हमने जो किया है, सो बेसिकली आई हैव गिवन यू टू असाइनमेंट्स टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज हैविंग सेम काइंड ऑफ असाइनमेंट। अभी हम क्लास को तीन हिस्सों में बांटने वाले हैं, एक जो भयंकर तेज लोग हैं, एक जो लोग अभी सीख के अच्छे हो गए, एक जो सीख ही नहीं पा रहे। इट्स नॉट अबाउट योर इंटेंट, इट्स अबाउट योर प्रैक्टिस। दैट यू समटाइम्स होता क्या है कि किसी किसी की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज नहीं होती है, जो तुरंत उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो, तो इसलिए तुम बहुत अच्छा सीख जल्दी नहीं सीख पाते हो, एक प्रॉब्लम वो हो जाती है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग तीन क्लासेस में आपको बांट देंगे, ठीक है, और तीन टाइप का ही हम फीडबैक देंगे, ताकि फीडबैक में टाइम वेस्ट नहीं हो, प्रैक्टिस में टाइम जाए, राइट? सो आई विल चूज टू पीपल हु हैव डन वेरी गुड वर्क, टू पीपल विल बी चोजन हु आर स्ट्रगलिंग, स्टिल स्ट्रगलिंग विद स्केचिंग, एंड टू पीपल हु आर इन 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 द मिड ऑफ इट। हाँ, मतलब सो देयर वर स्टूडेंट्स हु वर वेरी स्केप्टिकल, आई थिंक इवन यू वर देयर खुशी कि ये सर ऑनलाइन स्केचिंग कैसे करेंगे सर, दिस इज हाउ इट इज। So you should not be very skeptical. ये कौन है, मानसी? Yes sir. Why is your image being shortened? ये कौन है, विमुक्षी? Yes, सबसे पहली चीज बेटा, मैंने आपको क्लियरली बोला था, सबको मैंने बोला हुआ है कि जब भी शेडिंग करेंगे हम यहां से शुरू करेंगे, एंड वी शुड गो टिल हियर, राइट? एंड इट बी लाइक दिस इन डायरेक्शन, सी लाइक दिस। डायरेक्शनल बोला है ना तुम्हें, वर्टिकल शेडिंग करने के लिए ऐसे ऐसे, तो तुमने हॉरिजॉन्टल शेडिंग क्यों किया, पहला सवाल बोलो क्यों किया? फिर एक में ऐसे क्या, दूसरे वाले में वर्टिकल किया है, फिर एक वाला प्रेजेंट कर ही क्यों रहे हो? व्हाई आर यू प्रेजेंटिंग समथिंग इज नॉट राइट और इन द वे, सी हाउ डू यू से स्केचिंग तुम्हारी खराब है? सी टेक कर कैसे भी सकते हो, यू कैन डू स्क्रिबलिंग, यू कैन डू हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, एनीथिंग इज देयर। माय ओनली कंसर्न इज दैट वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। माय पॉइंट इज वी आर हियर फॉर अ टारगेट, वी नीड टू अचीव दैट टारगेट, यस और नो? यस सर। वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वी नीड टू प्लान योर टाइम, वी नीड टू प्लान योर असाइनमेंट्स, वी नीड टू प्लान योर यू नो एडवांसमेंट्स। हम बैठ के स्केचिंग तुम स्केचिंग सीखने आए हो यहाँ पर? एक बात बताओ, कौन कौन ड्राइंग सीखने आया मेरे पास? धुआं उड़ा देगा कोई, हाँ बोल दिया तो। कौन ड्राइंग सीखने आया है डैड में, बोलो? कौन सा क्लास ज्वाइन किए हो यहाँ पे, ड्राइंग क्लास? ड्राइंग क्लास ज्वाइन किए हो? नो सर। फिर तो ड्राइंग कैसे होता है मत पूछो, जो ऑब्जेक्ट डिजाइन करने की बात होती है उस ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग कैसे होती है हम आपको बता रहे हैं, इसमें वही करेंगे। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू फॉलो द टेक्निक दैट वी आर प्रेजेंटिंग। माय सिंपल कंसर्न इज A, you should master one thing first and then get into, like Rijuraj has good hand with cross hatching and hatching. Ek do logo ka, Mukshna ka bhi bahut badhiya hai hatching wagera. So people who have already explored it, let them do that. Ek jo log naya seekh rahe hai, usko past explore kyun karna hai, right? Once you learn it, master one basic thing. Mere ko bata do ki itni shading mere ko aa gayi. Dekho, according to technique of shading, Vimokshi, you have done a very good job, because I can see a transition in colors, the shades, the black is here, darkest is here, darker is here, then moving towards the lighter tone, right? So coming to this way, okay, so you can see it that you have already achieved the understanding of shading, ki black, dark, shading technique kya hona chahiye, but only problem is that you have to make sure that you are getting the gradation right. Ek neatness ki baat hoti hai, ek flow ki baat hoti hai, wo flow missing hai.
ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया है, हाँ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गुड, सो लेट मी चेक द बैलेंस नाउ। किया था, से किया था ऐसे। वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। खराब स्केच नहीं चाहिए, ये मेरे घर का मिक्सी है। So I drink shakes, make shakes and drink. Good, not bad. Interesting. You have almost achieved it. एक चीज गौर किए तुम लोग, एक चीज थोड़ा शक्ल देख के बात करेंगे, मेरे को वापस इस पे आने दो। एक चीज तुम लोग बता दे रहे हैं, आज के क्लास के बाद 10 बजे रात जब सो गए तुम, याद है तुम्हारे दिमाग में पैचिंग चल रहा होगा, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, एंड आफ्टर टूडेज क्लास यू विल स्टार्ट सीइंग लाइंस, यू विल स्टार्ट सीइंग ऑब्जेक्ट की शेपिंग, यू विल स्टार्ट सीइंग विजुअलाइजिंग शेप्स, यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग कलर्स। ठीक है, आज हम कलर्स में नहीं जा रहे हैं, आज हम कलर्स में उन्हीं को लेके जा रहे हैं जिनकी शेडिंग अच्छी हो गई है, हम टाइम वेस्ट उनका नहीं करेंगे। आज बाकी लोग की शेडिंग अच्छी नहीं हुई है, वो कलरिंग में नहीं जाएंगे, वो लोग शेडिंग को फिनिश करेंगे। आज 10 बजे रात तक आई विल मेक श्योर कि सब लोगों को समझ में आ जाए कि शेडिंग मुश्किल मुश्किल क्या नहीं है, राव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मीमोक्षी दिस योर्स राइट, यस किसके ब्याह में जाने की तैयारी कर रही थी जब शेडिंग कर रही थी, ये बताओ कहाँ जाना था? कहीं मतलब इतने बिजी थे हम, दैट आई स्टार्टेड शेडिंग हियर, आई हैड दिस स्ट्रोक, देन आई हैड दैट स्ट्रोक, एक टाइम लगा कर अरे भर दे यार, भर दे, खत्म कर, छोड़, इतना टेंशन क्यों लेना है, भर दे इसको, एंड यू फिल्ड इट। दिस इज रॉन्ग मीमोक्षी, यू आर गोइंग टू री शेड बोथ द ऑब्जेक्ट, दोबारा बनाओगे नहीं, इसी को रीशेड करो, फोटो खींच लिया है इसको रीशेड करोगे वापस ओके से। ठीक है, डन। अब ओके देखो जिनकी शेडिंग में प्रॉब्लम होती है, पीपल हु आर नॉट वेरी गुड विथ शेडिंग, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स दे डू मेक, आई विल टेल यू। ए ए दे रूइन द शेप दैट दे एक्चुअली क्रिएट बाय 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 डिस्टर्बिंग द शेडिंग इफेक्ट्स, बाय डिस्टर्बिंग द टोनल चेंजेस। देखो इसने क्या किया है, यहाँ टोनल चेंज बहुत ज्यादा है, यहाँ जंप हो गया, यहाँ आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ शेड गायब हो गया, यहाँ भर गया, वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, यू 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 डू नॉट नो हाउ टू प्लेस ब्लैक एंड व्हाइट एंड यू टर्न आउट टू क्रिएट अ मेस। अब देखो ये ढक्कन था शायद, ये पता ही चल रहा है कि ढक्कन कहाँ से और क्या है, पता चल रहा है ये ड्राइंग मिस्टेक नहीं है, शेडिंग मिस्टेक है, ये गलती आप कर जाते हैं। उसके बाद यू डिस्टर्ब दीज थिंग्स, जो ये शेप्स होते हैं गोल वाले, देयर इज अ राउंड, इट्स अ राउंड शेप हैपनिंग हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, यस जो हो रहा होगा राउंड हो रहा होगा, आपने सीधा कर दिया, खबा हो गया उसका, राइट। सो दीज थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो दीज थिंग्स शुड बी देयर, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट एंड वर्किंग इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट थिंग्स दैट आर नोन एज डिटेल्स। सो आई एम वेरी श्योर दैट दीज डिटेल्स दैट यू हैव ड्रॉन रिमोक्षी इज लार्जर देन व्हाट वाज देयर ऑन द ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, जो ऑब्जेक्ट पे बना हुआ था उससे 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 जो था वो बड़ा था, छोटा बड़ा था आपने बना दिया है, आप उसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हुई है। हाँ जी, सर मोक्षना के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। मोक्षना को आने दो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, बोल दो, बख्श दिया मैंने आज उसको। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर देयर, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज सर थिंग्स। एक तो काफी काफी लिमिटेशन है एग्जाम बोर्ड वाले उसमें, बट ठीक है, आई विल गेट यूज टू इट वेरी सून। जय हिंद सर, सर। आई एम आई गुड, हाउ मिस्ड आर यू यू? होल डे। क्या सर? किसकी शादी में गए संडे को? तो किसकी सर आपकी आवाज कट रही है। शादी में चले गए थे, क्लास नहीं आए?
सर शादी कहाँ सर, काम कर रही हूँ मैं सुबह से। आगे दिल्ली में शादियां हो रही है क्या लॉकडाउन में भी? सर पता नहीं सर, मैं तो किसी में इनवाइट नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट असाइनमेंट दैट शी हैज डन, दिस वन विमोक्षी, व्हेन डिड यू ड्रॉ दिस दिस वन? सेकेंड वन ये तुम्हारे लंच ब्रेक के पहले वाला है, लंच ब्रेक का बाद वाला है? बाद वाला। अच्छा, तो लंच ब्रेक के बाद जब समझाया जा रहा था दैट यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस, व्हाट वेर यू डूइंग? व्हाट नहीं सर, मैं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि दिस कॉर्नर हैज गॉन अप एंड हैज गॉन डाउन, कांट यू सी दैट? टेल मी, सी ठीक सी दिस है। पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब तुम बोल रहे हो सर पता नहीं, टिक करो। इट्स टू, ओके, हु इज दिस, हु इज दिस नाउ, कौन है ये? सर मैं स्नेहा वर्मा। स्नेहा वर्मा जी, कहाँ हैं आपकी लाइनें, कैसे काम कर रही हैं? देखिए, सर मैंने इरेज कर दी बाकी बनाई थी। सर इरेज तो आपने कर दी लेकिन बनाई टेढ़ी है, कैसे काम चलेगा? हाउ हाउ डू यू मैनेज टू, कैसे कर लेते हो ये बताओ। मेरे को लग रहा है थोड़ी देर फोटो के पे लिए हम तुम टेढ़ा पे, लग रहा है, ये बनाया सीधा होगा। हाँ मुक्षना मैं भी तेज हूं सर समझ जाता देखो। हूँ मेरे बोलने से पहले। अरे मुझसे कैसे बात, चलो इसको सीधा कर दिया। अब मुझसे मैं डांट सुनने वाले लिए, ये सीधा कर दिया मैंने, ठीक है, अभी क्या करूं सीधा, और शेप करूं इसको? वही नहीं, आप सीधा नहीं कर सकते, फोटो टेढ़ा खींचा। वही, अच्छा क्या तुमने पहले बोल दिया, तुम डांट सुन जाते मेरे से, देख अच्छा रहे हो? नाउ इफ आई रोटेट दैट देन व्हाट वुड यू डू फॉर दिस, and what do you have to say for this, tell me, this shape again, if this was supposed to be here, क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर equal equal distance, equal distance होना चाहिए, ये distance ये distance, अपने किया, एक नीचे बना लेते हैं। See why do I draw lines again and again and again to show you all these, do you know why, do you know why, that you should सिंबा की now, आदत by होगी। now you should develop these. कौन है? युवराज, सर ऋतुराज। यस सर। वेरी नाइस। अब देखो, अब तुम इतना लाइन खींच भी दिए तो पता नहीं क्या हो रहा है, दिस दिस बॉक्स इज गॉन टेढ़ा, दिस गॉन टेढ़ा। अगर हमने इसको सीधा कर भी लिया जबरदस्ती का तो ये डब्बा ऊपर चला गया, नीचे चला गया। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दीज लाइंस आर बीइंग अलाइन्ड। अभी कुछ दिन तक स्केचेस जो हम बनाएंगे, ड्राइंग्स जो हम बनाएंगे, उनको बनाने के बाद विल मेक श्योर दैट वी आर ड्रॉइंग दीज गाइडलाइंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज गाइडलाइंस वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज राइट इन प्लेस, दैट शुड बी देयर, ठीक है? समझ गए श्रेया ओके वर्मा? सर। यस सर। वर्मा जी, सीधी लाइन सीधी होती है 90 डिग्री पर, और यस सर। फ्लैट लाइन हॉरिजॉन्टल, लाइन हॉरिजॉन्टल होते हैं। टेक्निकली यू हैव टू मैनेज थ्री लाइंस इन लाइफ इफ यू आर इन डिजाइन। अरे बनो भाई, काहे जिद कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड इज डायगनल, व्हाई इज इट वेरी प्रोजेक्टाइल, खड़ा हो गया। आहा, समझ मारी बात, यस क्लियर सर। है? यस इन सर। तीन डायरेक्शन पे, इस स्केच में तो आपको मैंने केवल यही बोला है करने के लिए, वर्टिकल और स्ट्रेट लाइन। आपके शीट की गाइडलाइंस ही स्ट्रेट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट सीधा बनाने का मतलब सोच भी कह सकते हो, समझ गए? देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव।